नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। आप सभी जानते हो कि इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। आज थोड़ा सा अलग टॉपिक है, तो इंग्लिश से रिलेटेड लेकिन थोड़ा अलग टॉपिक। मैनी ऑफ यू कमेंटेड मैनी टाइम्स दैट हाउ कैन इट बी पॉसिबल फॉर आस टू इम्प्रूव इंग्लिश, हाउ कैन इट बी पॉसिबल फॉर आस टू कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज ब्रिलियंटली। कैसे ऐसे संभव है, मतलब कैसे हम इंग्लिश सीखें? तो मुझे लगता है कि अगर मैं जो बात बता रहा हूँ वो उसको आपने फॉलो कर लिया तो 100% आप इंग्लिश सीखोगे। इसके पीछे रीज़न ये है कि मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। आई हैव कम्प्लीटेड माई 12th क्लास फ्रॉम हिंदी मीडियम, एंड बीइंग अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट इट वॉज़ वेरी टफ फॉर मी टू लर्न इंग्लिश। आई स्टार्टेड माई एजुकेशन इन माई विलेज बिकॉज आई गॉट बर्थ इन माई विलेज। मेरा जन्म जो है वो गांव में हुआ और गांव में बेसिक एजुकेशन हुई। बेसिक एजुकेशन समझ लो कि जैसे हमारी बेसिक फाउंडेशन होती है, घर की एक फाउंडेशन होती है, वही कमज़ोर हो तो हम एक अच्छे घर की कल्पना कैसे कर सकते हैं। तो फाउंडेशन कमज़ोर होने के बावजूद भी इफ़ आई कैन स्पीक फ्यू वर्ड्स इन इंग्लिश, फ्यू सेंटेंसेस इन इंग्लिश, व्हाई कांट यू? योर फाउंडेशन इज़ वेरी गुड, राइट? यू हैव ऑल द फैसिलिटीज, एमिनिटीज, सो इफ आई कैन डू, व्हाई कांट यू डू, राइट? तो अब करना क्या है इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि देखो क्या होता है कि अगर हम चीज़ों को जुनून से लेने लगे तो बहुत अच्छा हो सकता है, बस जुनून की ज़रूरत होती है। तो लेट मी स्टार्ट माय स्टोरी एंड डेफिनेटली यू विल लर्न फ्रॉम माय स्टोरी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी स्टोरी से ज़रूर सीखोगे। सो स्टार्टेड माय जर्नी, और मैं इंग्लिश की ही स्टोरी बताऊंगा, कोई अपनी पर्सनल स्टोरी मैं आपको नहीं बता रहा हूं कि इंग्लिश मैंने कैसे सीखा, ये बात मैं आपको बताता हूं। As I told you that I started my education in my village and completed my basic education, that is up to 8th standard in my village. When I came to city, and city's name was Gwalior, it was very astonishing point for me. It was a dazzling era for me. I thought that I would not be able to become a good speaker as other students were speaking who were already from city. मेरे लिए तो ये बहुत टफ था कि इन बच्चों की तरह बोलना जो सिटी से हैं पहले से। तो अब गांव का जो बच्चा है, जो अगर मेरे को सुन रहा होगा, आप मेरे को देख रहे होगे और आप गांव के हो, तो आप मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे कि हमें इंग्लिश के प्रति कितना जुनून होता है। हमें लगता है हमें इंग्लिश बोलना चाहिए, हमें लगता है कि अगर कोई सेंटेंस इंग्लिश में बोल भी जाए तो ऐसा लगता है क्या बोल गया, गजब बोल गया, हमारे लिए बहुत अच्छी भाषा होती है। तो ऐसे ही द सेम वॉज विद मी। I was also attracting to the English language. I thought that would it be possible for me to become a good speaker or not? But there was eager in me. There was obsession in me. So after completing 8th class, when I came to the city, I saw other students speak in English. I firmly decided to command over English language, and I started doing so. There was a great I can say that support of my teacher, or bina teacher ke support ke to kuch ho hi nahi sakta. So I remembered all those teachers who were in my life who supported me a lot. To kai teachers ki wajah se, khud ki mehnat ki wajah se, dekho teacher ka saath to hota hai lekin khud ki mehnat bhi bahut zaruri hoti hai, khud ki mehnat ki wajah se maine 12th class tak itni command bana li ki mere ko tens wagera aane lage, गुड कमांड नहीं बना पाई, टेंस वगैरह आने लगे, इतना बना लिया मैंने। लेकिन 12th क्लास के बाद, क्योंकि हिंदी मीडियम से पढ़ रहा था, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग दैट आई वॉज इन हिंदी मीडियम स्टूडेंट, सो एवरी थिंग वॉज इन हिंदी, सोशल साइंस इट मीन सामाजिक विज्ञान इन हिंदी, विज्ञान इन हिंदी, साइंस तो हम पढ़ते ही थे, हम तो विज्ञान पढ़ते थे, सोशल साइंस हम पढ़ते ही थे, हम तो सामाजिक विज्ञान पढ़ते थे, हिंदी में पढ़ते थे, मैथ भी हमने हिंदी में पढ़ा, तो सारी चीज़ें हिंदी में। लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है कि जैसे ही 12th पास करते हैं उन्हें हिंदी का नामो निशान नहीं मिलता है, सब इंग्लिश में टोटल। अब सभी इंग्लिश में, तो मेरे लिए भी बड़ा भयंकर पॉइंट था। व्हेन आई वॉज इन माई कॉलेज एवरी थिंग वॉज इन इंग्लिश, आई जस्ट थॉट व्हाट शुड आई डू, एवरी थिंग इज इन इंग्लिश, हिंदी और सब कुछ इंग्लिश में था, सॉरी अगर मैं बोल गया हूँ गलत, इंग्लिश में था और मैं हिंदी मीडियम से था,
तो ये मेरे लिए बहुत टफ था, बट आई फर्मली डिसाइडेड टू कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज. सो व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज आई जॉइंड अ कोचिंग एंड ही वाज अ ग्रेट टीचर. ही वाज लाइक गुरु इन माय लाइफ. एंड एट होम आई आल्सो डिड प्रैक्टिस विद अ गुड फ्रेंड. आई स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश विद माय फ्रेंड. आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग अ लॉट. When I came to the coaching, I just spoke in English. When I was on my roof, I spoke in English. Everything I did in English only. If I am reading, I just what I did. I did that. I converted all the sentences in Hindi from English. Right? I didn't think about that. Even a single word I knew in Hindi. I thought everything in English. So that was a success point for me. And for learning any language, you need two things. The first one is grammar, second one is vocabulary. So what I did, I just took daily 10 meanings, 20 meanings, 30 meanings, whatever the capacity of me. I had the capacity to learn 30 meanings, okay, it was fine for me. So with the vocabulary, I started commanding or making good command over grammar also. And it is only the thing which initiated me a lot. So if I can do, why can't you do? तो आपको क्या करना है, आपको जुनून लाना है. बिना जुनून के कुछ नहीं मिलने वाला. आपको जुनून के साथ साथ ग्रामर पे कमांड बनानी है, आपको जुनून के साथ साथ मीनिंग पे कमांड बनानी है. आज मैं एक बढ़िया सी कोचिंग में बैठा हुआ हूँ, बैंक में जॉब करता हूँ, इंग्लिश की वजह से, ओनली इंग्लिश की वजह से, गारंटी के साथ कह सकता हूँ. ओनली वन लैंग्वेज कैन गिव मी अ लॉट. If one language can give me a lot, why can't that language give you? Try to understand. तो बस यही मेरी आपके लिए रिक्वेस्ट है कि आप सीखना चाहते हो तो ग्रामर पे और वोकैबुलरी पे कमांड बनाने के साथ साथ जुनून पैदा करो, ईगरनेस पैदा करो, ऑब्सेशन पैदा करो. जब तक ये जुनून नहीं होगा ना, कुछ नहीं सीख पाएंगे हम जीवन में, कुछ नहीं कर पाएंगे. बाकी मैं वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा, चिंता नहीं करूँगा. ओके, थैंक यू वेरी मच.